Good morning everyone. Welcome to our official channel Texas, where you will get all the details and updates related to legal, secretarial and taxation. So आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इशू ऑफ फर्दर शेयर्स. Which is regulated by section 62 subsection 1 clause C of Companies Act. आपको नाम से ही पता चल रहा होगा फर्दर शेयर्स है, तो इट मीन्स कि दिस इज नॉट फॉर न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी. आपकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वन है और आपको फंड्स चाहिए, और फंड्स के लिए अगर आप किसी से फंड्स मांगते हो तो उनको इन रिटर्न एक सिक्योरिटी चाहिए होती है. तो बेसिकली कंपनी क्या करती है, एग्जिस्टिंग कंपनीज वो अपने शेयर्स मार्केट में लेकर आती है और उसके अगेंस्ट लेती है फंड्स. तो इसीलिए हमारा ये है इशू ऑफ फर्दर शेयर्स. ये आपका चार फॉर्म में आप शेयर्स इशू कर सकते हैं. फर्स्ट इज योर राइट इशू, सेकंड वन बोनस इशू, थर्ड इज प्राइवेट प्लेसमेंट एंड फोर्थ वन इज प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट. एक वीडियो के लिए हम चार कवर नहीं कर पाएंगे, तो आज हम जो मेन टॉपिक उठाएंगे वो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट उठाएंगे. प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट अपने आप में ही डिफाइन करता है प्रेफरेंस, प्रेफरेंस गिवन टू ईदर एग्जिस्टिंग वन और इवन आउटसाइडर्स. तो आज इस टॉपिक में जो हम पढ़ेंगे वो इशू ऑफ फर्दर शेयर्स बट थ्रू प्राइवेट प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट. सॉरी, ये तीनों हम करेंगे बाद में कब. प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में हमें शेयर्स इशू करने हैं, या तो हमारी कंपनी के पास ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं हम उनको और शेयर्स इशू कर सकते हैं और उनसे फंड्स क्रिएट कर सकते हैं, या फिर हम किसी आउटसाइडर से भी ले सकते हैं. आउटसाइडर्स में आपका कोई भी हो सकता है, वेंचर कैपिटलिस्ट हो गया, या फिर कंपनी के एम्प्लॉयज हो गए, क्रेडिटर्स, डेटर्स और बाहर का कोई भी अननोन. इसके लिए सबसे फर्स्ट स्टेप जो हमारा होता है वो हमें पहले कंपनी की जो ऑथराइज कैपिटल है वो चेक करनी पड़ती है. फर्स्ट चेक ऑथराइज कैपिटल, कि जितना हम शेयर्स इशू कर रहे हैं उतना हमें ऑथराइज मिली हुई है या नहीं. सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, कंपनी की कैपिटल है 1 लाख, जिसके शेयर होल्डर्स है ए और बी, दोनों की 50-50 हम रेशियोज ले रहे हैं. दिस इज जस्ट एन एग्जांपल. तो ए के पास 50,000, बी के पास 50,000. अब कंपनी चाह रही है, कंपनी अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रही है और 1 लाख में उसका नहीं हो पा रहा है, तो उसको फंड्स चाहिए. फंड्स के लिए वो शेयर्स अपने इशू कर रही है, उनको चाहिए सपोज 5 लाख. बट इस कंपनी के जो ऑथराइज्ड है वो 1 लाख ही है, तो वो अपने 5 लाख शेयर्स इशू कर नहीं सकती. सबसे पहले उसको ऑथराइज कैपिटल इशू करनी पड़ेगी, और इंक्रीज इन ऑथराइज शेयर कैपिटल की वीडियो आप हमारे चैनल पे ऑलरेडी देख चुके हैं, और जिन्होंने नहीं देखी वो देख सकते हैं. आपने ऑथराइज कैपिटल चेक कर ली, अगर ऑथराइज कैपिटल आपकी ओके है, इट मींस मतलब 5 लाख से ज़्यादा है, एग्जांपल के अगर अकॉर्डिंग देखें तो इट्स फाइन, वरना आपका SS7 जाएगा, उसकी वीडियो आप देख लेंगे हमारे टेक्सास चैनल पे. उसके बाद कंपनी की शेयर्स इशू जो है, ये जो है क्लॉज, अगर आपका MOA AO में लिखा है
तो इट्स फाइन, अदरवाइज यू नीड टू चेंज दीज डॉक्यूमेंट्स. आपको अपना कैपिटल क्लॉज चेंज करना पड़ेगा और एओ में इशू ऑफ फर्दर शेयर थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट डालना पड़ेगा, तब जाके आप कंपनी में फर्दर शेयर्स ला सकते हैं. देन प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट जो है आपका, जो उसमें शेयर्स इशू होते हैं उनकी जो प्राइसिंग होती है वो पहले से ही डिसाइडेड होती है एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस. और ये जो प्राइस डिसाइड करते हैं ये रजिस्टर्ड वैल्यूअर करता है, वो एक वैल्यूएशन रिपोर्ट बनाता है, मार्केट में देखता है कि कंपनी की क्या वैल्यू है, उसके अकॉर्डिंग वो बताएगा कि आपको पर शेयर वैल्यू कितनी रखनी है. रजिस्टर वैल्यू है, एक वैल्यूएशन रिपोर्ट बना दी, उसके बाद वो शेयर होल्डर्स के पास जाएगा या फिर आउटसाइडर्स के पास जाएगा. और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास राइट टू रिनाउंस या राइट टू रिजेक्ट का ऑप्शन नहीं होता. अगर आपके पास ऑफर लेटर आया है तो आपको शेयर्स एक्सेप्ट करने ही पड़ेंगे. ऑफर लेटर आपका जो है वो आता है PAS 4 फॉर्म में, जिसका प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है बाय ROC. प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कोई भी कंपनी कर सकती है, एवरी कंपनी, इधर लिस्टेड अनलिस्टेड प्राइवेट पब्लिक सेक्शन 8, ये सारी कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है. तो मेन जो प्री कंडीशंस थी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के लिए वो हमने अभी आपको बताई है. अब हम जो देखेंगे वो देखेंगे इसका प्रोसीजर. प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट इशू करने के लिए सबसे पहले आपको करनी पड़ती है बोर्ड मीटिंग, कन्वे बोर्ड मीटिंग. और इसके लिए आपको एटलीस्ट 7 क्लियर डेज नोटिस इज नेसेसरी. क्लियर का मतलब है नो नेशनल हॉलीडे, नो संडेज. आपका जो नोटिस जाएगा वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी जा सकता है और मैनुअल फॉर्म में भी, मींस स्पीड पोस्ट हो गया या ईमेल, दोनों ही आपका वैलिड होंगे. उसके बाद आप बोर्ड मीटिंग कन्वे करने के बाद आप फाइनलाइज करोगे कि हमें किस कितने शेयर्स कितने लोगों को देने हैं, फाइनलाइजेशन ऑफ अलॉटीज. इसमें एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप एट अ सेम टाइम 50 लोगों से ज़्यादा शेयर्स अलॉट नहीं कर सकते प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के केस में. और पूरे साल में इन अ कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर इट शुड नॉट एक्सीड मोर देन 200. तो ये बात आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप फाइनलाइज़ करो अलॉटीज़ को, तो अगर आप सेम टाइम पे मोर देन 50 करना चाहते हो तो आप वो नहीं कर सकते, आपको मैक्सिमम 50 करना पड़ेगा. उसके बाद आपका बोर्ड मीटिंग कन्वे हो गई, फाइनलाइज हो गए अलॉटीज़, वैल्यूएशन रिपोर्ट बन गई, उसके बाद आपका ऑफर लेटर अप्रूव्ड होता है. ऑफर लेटर जो मैंने अभी आपको बताया था PAS 4, इसमें बेसिक डिटेल्स आती है, कितना ऑफर पीरियड है, कितने नंबर ऑफ शेयर्स आप इशू कर रहे हैं, किस प्राइस पे कर रहे हैं, ये आपकी बेसिक डिटेल्स जाती है. ऑफर लेटर अप्रूव हो गया,
फिर ऑफ़र पीरियड डिसाइड होगा कि आपने जो ऑफ़र दिया है इशू ऑफ शेयर्स का वो कितने पीरियड के लिए दे रखा है। इसके लिए कंपनीज एक्ट में कोई भी स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं गिवन, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग ऑफर पीरियड डिसाइड कर सकते हैं विद द डिस्कशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स। आपका ऑफर पीरियड डिसाइड हो गया, उसके बाद आपको एक सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा फॉर रिसीविंग दी सब्सक्रिप्शन मनी। आप कंपनी के अकाउंट में या डायरेक्टर्स के अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट में पैसे जमा नहीं कर सकते, आपको एक सेपरेट बैंक अकाउंट ही ओपन करना पड़ेगा फॉर द इश्यू ऑफ शेयर्स। जब तक अलॉटमेंट नहीं हो जाती, जो सब्सक्रिप्शन मनी आएगा वो आपका सेपरेट अकाउंट में होएगा सब में डिपॉजिट सब्सक्रिप्शन मनी। पैसा जमा हो गया है, उसके बाद आपका आएगा नेक्स्ट मीटिंग जो कि EOGM, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। पहले हमारी बोर्ड मीटिंग थी, उसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कंडक्ट होगी। आपका ये जो है बोर्ड मीटिंग में ही डिसाइड हो जाएगा EGM का डेट, टाइम और प्लेस और वेन्यू कि कहाँ पे आपकी EOGM होती है। बेसिकली ये जो है आपकी EOGM, इसमें आपकी शेयर होल्डर्स होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो फाइनल डिसीज़न होता है वो आपका शेयर होल्डर्स का होता है जो पैसे कंपनी में लगाता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग करने के लिए आपको 21 डेज चाहिए, ये भी आपका क्लियर डेज होगा। आपका ये मिनिमम है, सॉरी ये मैक्सिमम है 21 क्लियर डेज का नोटिस जो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कंडक्ट करने के लिए भेजना होगा आपको अपने सारे शेयर होल्डर्स को, डायरेक्टर्स को, ऑडिटर्स को। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जब हो गई आपकी, उसके बाद कंपनी जो है वो आएगी फॉर्म्स पे, उसमें आपका फॉर्म्स जाएंगे दो। सबसे पहले जाएगा MGT 14। MGT 14 शेल बी फाइल्ड विद इन 30 डेज ऑफ EGM। सपोज आज 20th है, तो आपको 20th सितंबर तक MGT 14 फाइल करना पड़ेगा। उसकी जो अटैचमेंट्स है आपकी वो होगी सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, नोटिस जो आपने भेजा होगा शेयर होल्डर्स को, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट कि हम लोग क्यों शेयर्स इशू कर रहे हैं, PS4 ऑफर लेटर, ये आपकी जाएंगी तीन अटैचमेंट्स MGT 14 में। MGT 14 आने के बाद आपका पैसे जब आ जाएंगे तो उसके 60 दिन के अंदर, विद इन 60 डेज बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करनी होगी फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, क्योंकि अभी शेयर्स अलॉट नहीं हुए हैं, सिर्फ सब्सक्राइब्ड हुए थे। 60 डेज के अंदर आपको शेयर्स अलॉट करने हैं और 60 डेज ऑफ रिसीट ऑफ मनी, पैसे आने के 60 दिन के अंदर पैसे आ गए, उसके बाद शेयर्स अलॉट हो गए, बोर्ड मीटिंग कंडक्ट हो गई, फिर एक फॉर्म जाएगा आपका PAS 3 जो कि फाइल होगा विद इन 15 डेज ऑफ अलॉटमेंट। PAS 3 की आपकी जो अटैचमेंट्स है वो कवर कर रहा है, PAS 3 की जो आपकी अटैचमेंट्स है इधर, वो आपकी फाइनल लिस्ट ऑफ अलॉटीज रहेगी। एक फॉर्म जाएगा PAS 5 जिसमें कंप्लीट प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफर होगा और आपकी जाएगी वैल्यूएशन रिपोर्ट। पैसे आ गए,
पैसे आने के बाद बोर्ड मीटिंग हो गई, शेयर्स अलॉट हो गए, फिर 15 डेज के अंदर PS3 फाइल कर दिया। उसके बाद आपका सिर्फ फॉर्म फाइल हुआ है, जो लास्ट हमारा स्टेप है वो है इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। शेयर होल्डर्स ने पैसे दे दिए, लेकिन उसके अगेंस्ट में शेयर सर्टिफिकेट ऑफ कोर्स उनको चाहिए ही होगा। तो आपको लास्ट जो आपका स्टेप है वो है इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, जो आपको 2 मंथ्स के अंदर कंपनी को इशू करना ही पड़ेगा। 2 मंथ्स ऑफ अलॉटमेंट। तो प्राइवेट प्लेसमेंट का हमारा यही कॉन्सेप्ट है, स्टेप 1 से स्टेप लास्ट। हमने आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से डिटेल में बताई है, बट इन केस अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं जो भी आपकी क्वेरी हो। और ये वीडियो आपको अगर पसंद हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।